हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमके एकेडमी में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट यानी हिंदी में बोलो तो क्रम व्यवस्था परीक्षा, यानी क्रम से बैठाना या किसी का भी सीक्वेंस हमें ज्ञात करना, नीचे से ऊपर से या दाएं से या बाएं से। ठीक है जी, ओके। या उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, ओके। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम किसी को दाएं या बाएं से अगर हमें ज्ञात करना है, तो हमें जो हम बैठे हैं तो हम पूर्व की दिशा की ओर, हमें मानना है कि हम जहाँ ही बैठे हैं, जहाँ हमारा फेस है, वो हमारा पूर्व दिशा की ओर है, ओके। इससे पहले हम बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एम के अकेडमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर एक। उत्तर की ओर मुंह किए पांच घर पी क्यू आर एस और टी हैं। पी टी और क्यू के बीच में है, जबकि टी एस के दाहिने हैं और एस और आर अंतिम छोर पर हैं। कौन सा घर ठीक बीच में होगा? ओके, उत्तर का मतलब मैंने भी बताया था कि आपको उत्तर की अगर दिशा करें या कोई भी ऐसा सवाल आए, तो जो जहाँ भी हम जैसे ही बैठे हों, डायरेक्शन कौन सी भी हो, मगर हम उसको क्या उत्तर दिशा मानेंगे। ओके, इसमें क्या है, ये कह रहा है कितने हैं, दो तो चार पांच, 1 2 3 4 5, ओके। ये कह रहा है, यहाँ से देखिए पांच घर हैं, ये कह रहा पी जो है टी और क्यू के बीच में है, पी जो है टी और क्यू के बीच में है। पी चलो हमने यहाँ माना और टी हमने यहाँ माना और क्यू यहाँ माना, तो हमारी पी टी और क्यू के बीच में है, जबकि टी एस के दाहिने हैं, टी एस के दाहिने हैं, ओके। एस लिख दी, दाहिने पहुंच गए, ओके। ये क्या हो गया दाएं, और ये क्या हो गया बाएं, ओके। एस एस और आर अंतिम छोर पर है, बचा क्या, आर बचा, ये हमने क्या अंतिम छोर पर घर बना दिया आपका, ओके। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा घर ठीक बीच में है, ओके। तो कौन सा घर ठीक बीच में है, पी हमारा घर ठीक बीच में है, ओके। दोस्तों वो ये भी पूछ सकता है कि दाएं पर कौन सा घर है या बाएं पर कौन सा घर है, ओके, या आर के बाहिने दूसरा कौन है या एस के दाहिने दूसरा कौन है। इस तरीके से वो क्वेश्चन बार बार यानी पूछता है, तो हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ओके। बी ए से दुगना बड़ा है लेकिन एफ से दुगना छोटा है। सी की आयु ए से आधी है लेकिन डी से दुगनी है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे बोलता है वो वैसे करिए। बी ए से दुगना बड़ा है, बी ए से दुगना बड़ा है, बी जो, तो हमने क्या ए को एक्स माना, ठीक है, तो बी हमारा कितना हो गया, 2x हो गया, दुगना बड़ा हो गया, ओके। अब वो कह रहा है एफ से दुगना छोटा है, एफ से, लेकिन एफ से दुगना छोटा है कौन,
बी हमारा, तो एफ हमारा कितना होगा? अगर ये दुगना छोटा है तो एफ हमारा हो जाएगा 4x। ओके, जब ही तो ये दुगना छोटा है बी। ओके, सी की आयु ए की आयु से आधी है। ए की आयु कितनी है हमारी? एक्स है, तो सी की आयु हमारी कितनी हो जाएगी? एक्स बाई टू हो जाएगी। ओके, लेकिन डी से दुगनी है। लेकिन डी से क्या है? दुगनी है, यानी डी हमारा कितना था? डी हो जाएगा हमारा एक्स बटे चार, यानी इससे दुगनी है सी की। ओके, इस तरीके से हमने ये देखा। तो वो कह रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है? पहले हमको रख लीजिए सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा हो गया 4x, फिर उसके बाद में हो गया 2x, फिर उसके बाद में क्या हो गया? एक्स। फिर उसके बाद में क्या हो गया? एक्स बाई टू। फिर उसके बाद में क्या हो गया? एक्स अपॉन 4। ओके, अब इन्हें देख लीजिए कि 4 किसका है, और ये 4 हमारा कितने है? एफ का है। ओके, बी हमारी 2x, फिर उसके बाद आपका एक्स ए का है, फिर उसके बाद सी, और फिर उसके बाद डी। तो ये कह रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा है। ओके, दूसरा सबसे बड़ा कौन है? दूसरा यानी पहला तो हमारा एफ है, तो दूसरा हमारा क्या हो गया? बी हो गया दोस्तों। क्या हो गया? बी। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करें, और हमारे अगर नए चैनल है नए चैनल को सब्सक्राइब करें, नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल दबाएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्विक क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान स्थान है, तो कुल कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें हमें क्या करना है, अगर जब भी किसी इसी तरीके का क्वेश्चन आए, यानी किसी कक्षा या पंक्ति के व्यक्तियों की संख्या पूछता है, यानी कुल पूछ रहा है यानी पूरी संख्या पूछ रहा है, तो किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर के क्रम लिखना है। ओके, फिर उसे प्लस और उसी व्यक्ति के दाएं या नीचे का क्रम करके दाना, यानी सीधी सी बात यह है कि अगर ये दो नंबर अगर देता है तो हमें क्या करना है? एक्स प्लस वाई माइनस वन बराबर जो भी आपका आंसर आए 4। ठीक है, पहले को एक्स मानिए, दूसरे को वाई मानिए और माइनस वन कर दीजिए। ओके, और कुछ नहीं करना। हमारा पहला कितना था? 23 प्लस 20। ओके, और माइनस वन, ये हमारा कितना हो गया? 43। माइनस वन कर दो तो कितना हो गया? ये 42 हो गया। 42 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनीष का ऊपर से क्रम 20वां, बताइए कि नीचे से उसका क्रम कितना होगा? मेरे प्यारे मित्रों, मैंने इसमें बोला था यह किसी पंक्ति में दाएं या तथा नीचे से स्थान पूछता है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति के पंक्ति में दाएं या बाएं से या ऊपर से नीचे से जो भी पूछ रहा है, फिर उसमें प्लस। ओके, क्या करना है? जो हमारी टोटल होगी, टोटल हमारा यानी मान लीजिए कि उसमें हमने क्या करा था, और इसमें एक्स माइनस वाई और प्लस वन हो जाएगा। ओके, टोटल को एक्स मानेंगे, जो हमारे 50 विद्यार्थी हैं पूरे टोटल को एक्स मानेंगे और इसको वाई मानेंगे। ओके, तो चलते हैं, ये कितना है? 50 50 प्लस 20
माइनस वन, तो ये हमारा कितना होगा 30, और ये हमने क्या गलत रख दिया, सॉरी, यहाँ माइनस होगा 50 माइनस 20 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और प्लस वन, 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30 और प्लस वन, ओके, तो हमारा कितना आ जाएगा 31, नीचे से इसका क्रम 31 होगा, ओके जी मनीष का, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान, 13वें स्थान, ये स्थान है, स्थान पर है, श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे, रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे। इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं कक्षा में 33 वो लिखना है, और माइनस करके कक्षा में 13वां स्थान पर है रमेश, 33 विद्यार्थियों के में 33 जो टोटल है हमने यहाँ रख दिए, 13वां स्थान है, और श्रेणी के अनुसार सुरेश का 5वां है, अब प्लस वन ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33 माइनस 19, ओके, तो हमारा आ गया 14, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, ठीक है, तो मार दीजिए एक लाइक दबा के। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक दुकान में 4 खिलौने हैं, एम एन ओ और पी है, पी ना तो एम जैसे लंबा है और ना ही ओ जैसा छोटा है, एन पी से छोटा है परंतु ओ से लंबा है, यदि मोना को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो वह कौन सा खिलौना खरीदेगी। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले जैसे जैसे बोलता जाता है ऐसे ऐसे ही क्या है इसको सजा लीजिए। ये कह रहा है पी जो है ना तो एम जैसा लंबा है, ठीक है, और ना ही ओ जैसा छोटा है, ओके, ना ही ओ जैसा छोटा है, ओके, हमने चलो एम माना, एम ना तो पी जैसे लंबा है, ठीक है जी, पी से यानी एम से कम है, ओके, और ना ही एन जैसे छोटा, यानी ओ ना ही ओ जैसे छोटा है, ठीक है जी, ओ हमने और छोटा कर दिया। ये कह रहा है कि एन पी से छोटा है, एन जो है पी से छोटा है, तो एन हमने क्या है यहाँ रख दिया, छोटा है परंतु ओ से लंबा है, ओ से लंबा है हमारा एन, ठीक है जी, यदि मोना को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो वो कौन सा खिलौना खरीदेगी, तो वो एम खिलौना होगा क्योंकि एम हमारा क्या है सबसे बड़ा है, और ओ हमारा क्या है सबसे छोटा है, ये क्या है बड़ा और ये क्या है छोटा, ओके, तो उसको कौन सा खिलौना खरीदना है, बड़ा खरीदना है, लंबा या बड़ा बोल दो या लंबा बोल दो तो एक ही होता है, तो वो कौन सा होगा एम होगा, तो एम हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो सर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं, ए बी से छोटा है मगर ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी बी से छोटा है और ए से कुछ लंबा है, सबसे छोटी नदी कौन सी होगी। प्यारे दोस्तों, तो अभी जैसा हमने करा था छोटा बड़ा या लंबा छोटा, तो इसमें क्या करना है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें भी हमें क्या है, बैठाते हुए चले जाओ। ओके दोस्तों, इसमें कह रहा है कि ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, मगर ई जैसा लंबा नहीं है, ई जैसा लंबा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, बी चलो हमने यहाँ मान लिया, ओके, ये कह रहा है कि ये कह रहा है बी ए से छोटा है, ओके जी, यहाँ बैठा लो, ओके, यहाँ बैठा लो, ए से छोटा है, ठीक है, मगर ई से लंबा है, ई यहाँ बैठा लो, ओके, ई से लंबा है, ए, डी बी से छोटा है, डी जो है बी से छोटा है और ए से लंबा है, ठीक है, डी जो है हमारा बी से छोटा है और ए से लंबा है, ओके, और बचा कौन सा, ई बच गया, ई हमारा, ई क्यों बचा, सी बच गया, सी बच गया, ओके, सी बच गया, पांचों हमारे क्या हैं, ये पांचों नदियां हो गई। अब उसमें से पूछ रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी हमारी ई है, ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा, वो सबसे बड़ी भी पूछ सकता था और छोटी भी पूछ सकता था। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है, छठा स्थान है, ये स्थान है भाई, ये दोस्तों इसमें क्या, ये टाइपिंग में खराब हो गया है, स्थान है, स्थान, कृष्णा गोविंद से सात स्थान, सात स्थान नीचे है, कृष्णा का नीचे से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। ओके दोस्तों, इसमें क्या करना है हमें, पहले तो कुल बच्चे देखने, कुल बच्चे हमारे कितने हैं, 35 हैं, ओके, और कृष्णा का गोविंद का छटा, पहले गोविंद गोविंद का देखें कितना है हमारा छटा, और कृष्णा का कितना, सातवा, तो 6-7 हो गए 13, ओके, 6-7 हो गए हमारे 13, तो टोटल बच्चे कितने थे हमारे 35, और उन दोनों का स्थान कितना हुआ 13, ओके, और +1, ओके जी, 13 में से यानी 35 में से 13 गए, तो हमारे बच्चे तुम्हारे 22 और एक 23, तो हमारा ये क्या है, 23वां स्थान होगा, ओके, कृष्णा के नीचे से 23वां स्थान होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 23 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, यानी दो कृष्णा के ऊपर के स्थान से, ठीक है, नहीं, और गोविंद के ऊपर के स्थान से, दोनों को क्या है, उसको हमने जोड़ लिया नीचे से और ऊपर से, तो वो हमारे 13 बैठ गया, ओके, टोटल बच्चे कृष्णा का ऊपर से स्थान, कृष्णा का पूछ रहा है, और +1, ठीक है, 35 - 13 +1, तो 23वां स्थान हो गया, ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, 20वां स्थान है, ये स्थान है, जब दो और बालक प्रवेश करते हैं तो एक स्थान नीचे हो जाता है, तो अंत से उसका नया स्थान क्या होगा, अंत से उसका नया स्थान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल हमारे कितने हैं, टोटल हमारे हैं 45 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और +2 और ऐड हो गए, ठीक है, एक बच्चा 20वें स्थान पर है, ठीक,
तो इसका अंत से नया स्थान अब कौन सा हो जाएगा दो बार लग बढ़ने से? तो इसमें हमें क्या है, -20। जो नया बालक आएगा भाई वो तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, और जो हमारा ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा माइनस होने के बाद ये कितना बचेगा, 45, 47, और 47 में से 20 जाएंगे तो 27। तो ये हमारा हो जाएगा 27वां स्थान। ओके दोस्तों, तो 27 में कौन से ऑप्शन में, सी। तो सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं? ओके मेरे दोस्तों, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊपर से और नीचे से। एक कक्षा में सोहन का ऊपर से 7वां, ठीक है, 7 प्लस नीचे से 26वां, 26 माइनस 1। ओके, 26 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 25, और 25 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो यही थी हमारी आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन लाने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।